हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, जो आप लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो एग्जाम हुआ है उसकी हम आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। और हमारे पास इस समय बुकलेट सीरीज भी है जो हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा आज का अगर सुबह वाला अगर वीडियो देखा होता ना, तो पक्का आज के आप लोगों के मेरे 25 क्वेश्चन मेरे खुद के आए हुए पढ़ाए हुए फंसे हुए हैं उसमें। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरा चैनल एक बार ज़रूर विजिट करके देखें। और जो मैंने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का जो आज सुबह का वीडियो जो बनाया था 50 क्वेश्चंस का, उसमें से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फंसे हुए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को 25 क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गए होंगे। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों को आंसर की भी हम एकदम उतनी ही सटीक देते हैं जितनी हम पढ़ाते हैं, और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग मेरे सुबह वाला वीडियो ज़रूर देखें और अपने पेपर से ज़रूर मैच करें, क्योंकि उसमें मेरे पढ़ाए हुए आज के पढ़ाए हुए खुद 25 से ज़्यादा भी क्वेश्चन फंसे हुए, 25 क्वेश्चन लगभग फंसे हुए हैं। 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए फंसे हुए हैं। सो प्लीज़, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं इसकी आंसर की। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस क्या है? सुखाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम अनाज की नमी को जलवाष्प में बदलने के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? 650 किलो कैलोरी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री WB कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 20 से 22 होगा परसेंट। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री कितनी होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा इसमें, डी ऑप्शन नंबर डी 18 से 20%। अगला क्वेश्चन है, अनाज का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी की गणना के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कणों की ज्यामिति माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? इक्विवेलेंट डायमीटर जाना जाता है इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का घनत्व लगभग होता है तो कितना होता है? 998 से 1338 किलोमीटर क्यूब होता है इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान के लिए विश्राम कोण के बीच का कोण होता है तो कितना होता है? 30 से 45 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान होता है कितना होता है? 23 से 28 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किलो कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलो पदार्थ में मिलाने या हटाने पर इसके तापमान को 1 डिग्री तक बदल दे तो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हवा की तापीय चालकता होती है तो कितनी होती है? इसका होता है 0.02 कैलोरी पर मीटर हावर्स डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना कहलाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है? क्लियरिंग ऑफ मेटल इज डन बाई तो किसके लिए की जाती है? धुलाई, स्कीनिंग, हैंडकीपिंग सभी के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनाज की फसल का सुरक्षित भंडारण नमी का स्तर आमतौर पर निम्न की सीमा से नीचे होता है, कितनी सीमा से नीचे होता है? ऑप्शन नंबर इसका आपका बी सही होगा, 8 से 9%। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात विभाजक का उपयोग को अलग करने के लिए किया जाता है, किसको अलग करने के लिए? महीन कणों, मध्यम कणों, भारी कणों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल लगभग है तो कितना होता है आवश्यक क्षेत्रफल? तो 15 वर्ग मीटर होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धूप में सुखाने पर अनुकूल परिस्थितियों में अनाज की सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिदिन कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है? 3 से 4% कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एट्रिशन मिल में खाद्यान्न का आकार निम्न के कारण कम हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? सीयर और क्रशिंग के कारण कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हैमर मिल की दक्षता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है चलनी के आकार पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रशर अनाज के आकार को कम करते हैं किसके लिए कम करते हैं? तो ये इसको ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, निचोड़ने और दबाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर स्क्वीजिंग एंड प्रेसिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत लगभग होता है कितना प्रतिशत होता है? 18 से 22% होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धान को क्यों उबाला जाता है? तो धान को किसके लिए उबाला जाता है? तो हेड राइस की अधिकतम रिकवरी के प्राप्त करना, टूटे हुए प्रतिशत को कम से कम करना तथा मिलिंग घाटे को कम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लीन टू ग्रीन हाउस में होती है तो क्या होती है? ओनली 1 रूफ स्लोप होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, सी राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है? तो कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सी ई ए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर होता है इसका, कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कूल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है इसका रात का तापमान होता है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडे हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं, तो कौन से उपयुक्त पौधे हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कॉल्सिनियस, जेरेनियम और मीठी मटर उपयुक्त सभी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनके सेम क्वेश्चंस और सेम ऑप्शंस भी मिल गए हैं आप लोगों को, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा और भी कोई चैनल आप लोगों को ये प्रोवाइड नहीं करा सकता जितना मैंने किया है, क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं जो आप लोगों के लिए सेम आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको सुबह वाली वीडियो में, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके आप लोग सुबह वाला वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गर्म हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है? कितना होता है इसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे होते हैं, कौन कौन से उपयुक्त पौधे होते हैं? तो अफ्रीकी वायलेट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन होता है, तो किसके द्वारा होता है? गार्डेनियास के द्वारा होता है, ऑप्शन सॉरी गार्डेनियस नहीं, एक और बी दोनों होता है, केलेडिशियम और गार्डेनियस के दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है, तो क्या है? तो ये होता है ट्यूबलर संरचना, लकड़ी की संरचना, बांस की संरचना उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन ऑल ऑप्शन एबव। अगला क्वेश्चन है, एक प्रचार कक्ष में होती है तो क्या होती है? तो लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, कम नमी सामग्री होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग है तो किससे है? राइजिंग नर्सरी से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, नर्सरी लगाना। अगला क्वेश्चन है, छाया घरों विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं, किसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं? तो ड्राई एरिया शुष्क क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी है तो किसके लिए उपयोगी है? तो कूल एरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठंडे क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री होती है तो कौन सी होती है? ये पॉलीथीन होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, फाइबर ग्लास है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम है तो कौन सा मौसम उपयोग का है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, सर्दी मौसम। अगला क्वेश्चन, हॉट बेड पौध उगाने के लिए एक छोटे पैमाने का रूप है तो क्या होता है? ये ग्रीन हाउस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लाठ पर बहुत उपयोगी होता है तो लाठ पर क्या बहुत उपयोगी होता है? तो वेरी वार्म रीजन, बहुत गर्म क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व बिस्तर है, मिस्ट बेड्स आर, किसके लिए होता है? तो ये प्रसारिकाई के लिए होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, इसमें डी प्रसारिकाई, प्रोपोगेशन यूनिट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रसार के लिए द्वंद्व कक्षों का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये सॉफ्टवुड कटिंग के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा आपका, सॉफ्टवुड कटिंग। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? तो ये होता है आपका नर्सरी बेड होता है, नर्सरी बिस्तर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? ये प्रॉपर रूटिंग होता है, ऑप्शन नंबर उचित जड़, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो आप लोगों की पॉली हाउस की दिशा होनी चाहिए उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली है तो कौन सी होती है? ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालात वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है? तो ये ग्रेन टू एयर में चलती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, अनाज से हवा। अगला क्वेश्चन है, सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है तो क्या है? हीट एंड मास ट्रांसफर, इसमें ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पतली परत सुखाने में अनाज की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें होनी चाहिए लेस देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पतली परत सुखाने में शामिल है तो क्या है? तो फ्लैट बेड ड्रायर होता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है तो ये क्या होता है? बैच ड्रायर होता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई होती है कितनी होती है? मोर देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापक्रम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तापमान? ये होता है आपका 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम
गहराई लगभग होती है, कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बैच प्रकार के ड्रायर में प्रति घन मीटर धान सुखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह दर है तो कितनी होती है? 3 से 4 CU, 3 से 4 घन मीटर पर मिनट होती है आपकी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास निम्न के बीच होता है, कितने के बीच होता है? 3 से 6 मीटर के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर का मुख्य लाभ है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। उपयुक्त सभी, कम सुखाने की विधि, अधिकतम सुखाने की क्षमता, न्यूनतम सुखाने का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर के लिए अनुशंसित वायु प्रवाह दर होती है कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 70 घन सेंटीमीटर पर मिनट पर टन। ऑप्शन सी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सतत प्रवाह ड्रायर में शुष्क हवा का तापमान हो सकता है कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बैच प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान है तो कितना है? इसमें होता है आपका 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन सापेक्ष आर्द्रता के विकरण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेन आइसोटर्म कहा जाता है, तो अनाज समतापी कहा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। दोस्तों, हमने आप लोगों को ये पूरे 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे 25 क्वेश्चन पूरे फंसे हुए हैं और मैंने आप लोगों को बताए भी हैं। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके आप लोग मेरे सुबह वाला वीडियो देख सकते हैं और उसमें से मिलान कर सकते हैं। उसमें से 50 में से 25 क्वेश्चन फंसे हुए हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों वीडियो को पूरा देखा करें और अंत तक देखा करें। और अगर आज के पेपर में आप लोगों के कितने आंसर सही आए हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आगे की क्लास भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे और सॉल्यूशंस भी आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे जल्दी भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।